मित्रम का पाय भाग। हाँ गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आवाज पहुंच रही है ना? हाँ रही है सर। ओके ओके चलिए ठीक है। तो ये है कि आज हम कक्षा 7 का गणित और जो आज का हमारा टॉपिक है उसमें मैं आपको प्रायोगिक ज्यामिति पढ़ाने वाला हूँ। तो प्रायोगिक ज्यामिति में आज सबसे पहले हम यहाँ पर आज सीखेंगे किसी रेखा के समांतर कोई रेखा खींचना। तो कैसे, आप कुछ उपकरण है मेरे पास, इनको देख लेंगे, आप जानते होंगे। ये कुछ उपकरण है मेरे पास, इसमें से ये जानते हैं ना क्या है, ये देख रहे हैं ना क्या है, इसको पहचानते हैं? Yes, sir. क्या है ये? ये लंगड़ा है, क्या है? प्रकार, जिसको प्रकार कहते हैं ना, प्रकार। हाँ ये प्रकार है। ये मेरे पास पटरी है ना, पटरी भी दिखाई दे रही होगी है ना। तो ये थोड़ा सा बड़े साइज के हैं और ये इसको भी आप देखते होंगे है ना, ये yes, sir. Yes, sir. हाँ क्या है ये उदित? चांदा, कोण बनाने के काम आता है ना। इसका उपयोग काहे के लिए करते हैं अपन? कोण बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो ये है, इसके बाद अपने पास सेट स्क्वायर भी है और ये दो सुई वाला एक ये भी है, ऐसे कई उपकरण है। तो आज चलिए मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर प्रायोगिक ज्यामिति है ये। तो प्रायोगिक ज्यामिति में आपको आज मैं सबसे पहले एक रेखा के, किसी रेखा के, ये है मेरा, किसी रेखा के समांतर हम आज जो सीखेंगे वो ये सीखेंगे, किसी रेखा के समांतर, किसी रेखा के समांतर एक दूसरी रेखा, किसी रेखा के समांतर एक दूसरी रेखा खींचना। ये आज हम इसमें सीखेंगे कि कोई रेखा है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस सर। हाँ चलिए, तो दिख रहा है तो ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि कैमरे की जो क्वालिटी है वो इतनी ही है जितना दिखाई दे रहा है, इतनी क्वालिटी का कैमरा है, तो मेरे हिसाब से जो दिख रहा होगा। तो हमें किसी रेखा के समांतर एक रेखा खींचना है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, हम पटरी लेते हैं, ठीक है, पटरी लेते हैं, क्या करते हैं, पटरी लेंगे और पटरी से एक रेखा खींचेंगे। देखिए मैं इसको पटरी लगाता हूं और पटरी लगा करके मैंने ये एक रेखा खींची यहां पर, मैंने ये पटरी लगा करके एक रेखा खींची हुई है, दिख रही है ना आपको? जब उनके दिखाई नहीं दे तो काला ही नहीं क्या बच्चों, दिख नहीं रहा? नहीं सर। नहीं दिख रहा? नहीं सर। ऊपर लिखना होगा थोड़ा सा, एक सेकंड। यस सर दिख रहा। अभी दिख रहा है? यस सर। अच्छा ठीक है ना, तो ये मैंने एक रेखा खींची है, दिखाई दे रही है रेखा? यस सर। अच्छा चले ठीक है, दिख गई, कोई बात नहीं, अगर रेखा दिख गई है अब मालूम क्या करना है, इसके समांतर हमें एक रेखा खींचना है, ठीक है ना, इस रेखा के समांतर एक रेखा खींचना है। तो मैं इससे बाहर कहीं पर भी एक मैंने बिंदु ले लिया, ये बिंदु मेरा ए है, ठीक है ना, इसके मैंने कहीं पर भी इस रेखा से बाहर एक बिंदु मैंने ए ले लिया, ठीक है सर। उदित दिख रहा है ना? उदित आवाज, क्यों उदित? यस सर। हाँ चलो ठीक, तो ये मैंने एक बिंदु ए ले लिया, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूं, जो मेरी रेखा ये एल है, मान लेता हूं मेरी रेखा एल है, ये मैंने इसका नामकरण कर दिया एल नाम से, इसको मैंने दर्शा दिया है और इसका नामकरण मैंने एल किया है। तो अब क्या करूंगा, इस रेखा पर एक बिंदु मुझे लेना है बच्चों, इस रेखा पर मैंने एक बिंदु बी ले लिया, ठीक है ना,
इस एक बिंदु बाहर, एक बिंदु रेखा के बाहर, और दूसरा बिंदु जो मैंने लिया है वो रेखा पर लिया है, तो रेखा पर जो बिंदु लिया है वो बिंदु मेरा बी है, ठीक है ना। अब मैं इन दोनों बिंदुओं को मिला दूंगा, ठीक है, अब मैं इन दोनों बिंदुओं को ऐसे मिला दूंगा। बोलो इधर से दरवाजे तरफ से। ये मैंने देखिए, आप दोनों बिंदु मिला लीजिए, दोनों बिंदु मैंने मिला दिए, ए और बी दोनों पॉइंट्स को मैंने मिला दिया है, मिल गए हैं ना। यस सर। अच्छा चलो ठीक है। अब ये आपके पास ये है प्रकार है क्या? यस सर। प्रकार है ना? यस सर। हाँ, प्रकार में पेंसिल फंसाया, मैंने चाक लगा लिया, मैंने प्रकार में चाक को लगा लिया है, आप इसकी जगह पेंसिल लगाइएगा, क्योंकि आपके इसमें चाक नहीं लगेगा, आप इसमें पेंसिल लगाइएगा और पेंसिल लगा के उसको व्यवस्थित कर लीजिए ताकि बराबर रहे पेन, इसका जो नुकीला सिरा और चाक का सिरा, ये दोनों सिरे बराबर रहे, ऐसे इसको आपको व्यवस्थित कर लेना है। और व्यवस्थित करने के बाद ये ठीक है ना, आपने इसका नुकीला सिरा और पेंसिल वाला सिरा दोनों सिरे आपको इस बराबर कर लेने हैं, दोनों सिरे आपने बराबर कर लेने हैं। और जब ये दोनों सिरे बराबर यदि हो जाते हैं, फिर आप देखें क्या करना है, पेंसिल फंसा लिए। यस सर। अच्छा चले आगे बढ़ते हैं। अब yes, आप प्रकार को थोड़ा सा फैलाइए, प्रकार को थोड़ा सा फैलाना है, ज्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा फैलाइए, जैसे ऐसे सका है ना, थोड़ा सा खोलिए प्रकार को, थोड़ा सा प्रकार खोलिए। yes, खोल दिए। अब अपना नुकीला सिरा, नुकीला सिरा बी पर रखें, बी पर रखें, और रखने के बाद एक चाप आपको काटना है ऐसे, ये एक चाप काटा है, रखिए नुकीला सिरा बी पर और एक चाप ऐसे आप घुमा दीजिए, दिख रहा है? यस सर। अच्छा मैंने देखिए, मैं इसको और थोड़ा डार्क कर देता हूं, चाप चला देता हूं। हाँ, इस तरह से आपने एक नुकीला सिरा, आपने इसका नुकीला सिरा बी पर रखा था, और रखने के बाद ऐसे एक चाप घुमा दिया, घुमाया है, बच्चों ठीक है ना, इतना आपने देख लिया। चलिए, आपने नुकीला सिरा बी पर रखा, बी पर रख करके एक चाप आपने घुमा दिया, ये चाप जितना घुमाया है ठीक है ना, जितना आपने बी को केंद्र मान करके जो चाप लगाया है ना, इसको आपको कम ज्यादा नहीं करना है, इतना ही लेकर के उठा करके और एक बार ए को केंद्र मान करके आप लगा दीजिए ऊपर, एक बार किसको, ए को केंद्र मानिए और ए को केंद्र मान करके वही चाप लगा दीजिए, ये ऐसे, मैं इसको थोड़ा डार्क कर दूं, एक बार यही चाप आप ए को केंद्र मान करके ऐसे घुमा दीजिए, दिख रहा है ना बच्चों? यस सर। चलो ठीक है, घुमाया क्या, जितना आपने ए को केंद्र मान करके, जितना आपने ए को केंद्र मान करके चाप लगाया था, उतना ही चाप आपने किसको, बी को केंद्र मान करके उतना ही चाप लगाना है, कम ज्यादा नहीं करना है, समझ गए ना, जितना आपने यहां से रख के ऐसे लगाया था उतना ही इसको केंद्र मान करके आपको लगा देना, ठीक है? यस सर। अच्छा अब आप क्या करोगे, यहां से मान लीजिए जहां पर ये हमारा इसको काटता है, इसका मान लीजिए मैंने नाम लिख दिया B1 है और ये B2 है, नाम दे दिया मैंने B1 और B2, या कुछ भी आप जो चाहें वो नाम दे सकते हैं, आप जो चाहें वो नाम दे सकते हैं, मैंने इनका नाम B1 और B2 दे दिया, जहां पर ये L को काटता है, जहां पर हमारी ये AB को काटता है उसका नाम मैंने B1 और B2 दे दिया। अब आपको क्या करना है, दोनों की दूरी नाप लेना है, B1 से B2 की जो दूरी है, प्रकार का नुकीला सिरा यहां और पेंसिल वाला सिरा यहां पर, ठीक है ना, प्रकार का नुकीला सिरा आपको यहां और पेंसिल वाला सिरा आपको ये रख लेना है,
ठीक है ना, इनको नाप लेना है जितनी दूरी हो यहां से यहां तक, ये दूरी इतना नाप लेना है ऐसे, जितनी दूरी आपको B1 से और B2 के बीच की ऐसे आपको माप लेना है, B1 से B2 के बीच की दूरी आपको माप लेना है। माप लिए जितनी दूरी, देखिए जितना B1 से B2 की दूरी है प्रकार को इतना फैला लेना है। अब एक बार इसको केंद्र मानना है A पर, जहां पर ये काम काटता है, मान लीजिए A1 है ये, ठीक है ना, A1 को केंद्र मान करके आप एक चाप ऐसे काटेंगे, क्या करेंगे एक चाप काटेंगे, A1 को केंद्र मान करके आप जो है एक चाप काटेंगे और ये चाप हमारी रेखा को क्रॉस करेगा ऐसे, इस तरफ साइड से क्रॉस कर जाएगा। ठीक है ना, A1 को केंद्र मान करके आपने जितना ये जितना A से चाप लगाया उतना इसको रख के चाप लगाया, जितना ये दूरी है जितनी ये दूरी है उतना A को केंद्र मान करके एक चाप ऐसे आपको घुमा देना है, जहां पर ये चाप काटते हैं उसको जो है आप पटरी के सहारे रख करके, ठीक है ना, आप पटरी के सहारे रख करके और फिर दोनों जहां पर ये इनका ये प्रतिच्छेद बिंदु है जो यहाँ पर क्रॉस करता है इस पॉइंट को और A को, दोनों को मिलाती हुई एक आपको रेखा खींच देना है, ये इन दोनों को मिलाती हुई एक रेखा खींच देना है। तो ये रेखा मान लीजिए मेरी M है, क्यों आ रहा है कि नहीं? यस सर। उदित समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए, मैंने दोनों रेखाओं को दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींच दी, उस रेखा का नाम मैंने M दे दिया। क्या नाम दे दिया? M, या कुछ भी आप जो चाहे दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि M ही देना है, आप A B C D कुछ भी आप दे सकते हो, ठीक है ना। तो आपने देखा कि ये दोनों रेखाएं कैसी हैं? समांतर है। कैसी है? समांतर है। आपने देखा कि ये दोनों रेखाएं हमारी कैसी है? ये दोनों रेखाएं हमारी L समांतर है, किसके? M के। L हमारी L रेखा M के, हमने एक किसी रेखा के समांतर दूसरी रेखा खींचना ये सीखा है, किसी रेखा के समांतर दूसरी रेखा खींचना हमने आज ये सीखा है कि कैसे हम किसी एक रेखा के समांतर आप दूसरी रेखा खींच सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अब मैं आपको फिर से एग्जांपल के माध्यम से बता देता हूं। देखिए, अब मैं इसी को फटाफट करता हूं। मैंने सबसे पहले एक रेखा खींची, ये रेखा है, ये L रेखा है। L पर मैंने क्या करना है, बाहर कोई बिंदु लिया, यहाँ पर ये बाहर बिंदु है, एक बिंदु यहाँ पर लेना है, एक बिंदु बाहर ले लिया X, ये यहाँ पर मैंने ले लिया Y, दो बिंदु, एक बिंदु रेखा के बाहर और दूसरा बिंदु रेखा पर, दूसरा बिंदु रेखा पर लेना है, दोनों को आपको मिला देना है ऐसे, दोनों को ऐसे आपने मिला दिया, ये मिला दिया, ठीक है ना, दोनों बिंदुओं को आपने मिला दिया। अच्छा, जब दोनों बिंदु मिल जाते हैं, अब आपको प्रकार लेना है, प्रकार को थोड़ा सा फैलाना है, इसको केंद्र मान करके आपने एक चाप लगाया, ठीक है ना, इसको केंद्र मान करके आपने वाई को केंद्र मान करके एक चाप काटा, उतना ही चाप एक बार आप एक्स को केंद्र मान करके काट लोगे, ये ठीक है ना, उतना ही चाप आप एक बार जितना आपने ये, ठीक है ना, जितना आपने इसको केंद्र मान करके एक चाप काटा है ये, उतना ही आपने एक बार इसको केंद्र मान करके ये चाप काट दिया, ये दोनों चाप काट लिए, फिर यहां से यहां तक की दूरी माप लेना है, ठीक है ना, इनकी दोनों की दूरी माप लेना है, जितनी दूरी होगी माने इस बिंदु से और इस बिंदु के बीच की जो भी दूरी होगी उस दूरी को आपको माप लेना है ऐसे, एक जगह पर पेंसिल वाला सिरा और एक जगह पर नुकीला सिरा लगाना है, ठीक है ना, एक जगह पर पेंसिल वाला सिरा और एक जगह पर नुकीला सिरा लगाना है। नाप लिया, अब एक्स को क्या करना है, यहाँ इस पॉइंट पर कहाँ रखेंगे, इस पॉइंट पर रखेंगे दूरी, ये यहाँ से दूरी मापेंगे और रखेंगे इस पॉइंट पर, ठीक है ना, दूरी यहाँ से मापना है और इस पॉइंट पर रख करके और आप एक चाप काट दोगे, आपने ये चाप काटा, ये चाप काट दिया, ठीक है ना, ये आपने चाप काट दिया ऐसे,
अब जब ये चाप कट गया, अब जहां पर इसको और इसको मिलाती हुई एक आप रेखा खींच दोगे, इन दोनों को मिलाती हुई आप क्या करोगे, एक रेखा खींच दोगे बच्चों। ये इन दोनों को मिलाती हुई, इन दोनों को मिलाती हुई ये पॉइंट को और जहां पर ये क्रॉस करता है इस पॉइंट को, इन दोनों पॉइंटों को मिलाती हुई आपने एक रेखा खींच दी। ये रेखा आप पटरी रख करके खींचोगे और इसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है, रेखा अनंत तक विस्तारित होती रहती है। ये मान लीजिए हमारी एन, ये हमारी रेखा खींच गई, ये हमारी रेखा खींच गई है, आप देख पा रहे हैं ना, ये मेरी रेखा किसके, रेखा एल के समांतर मैंने रेखा एन खींच दी, रेखा एल के किसके, रेखा एल के समांतर, ये समांतर के चिन्ह है, मैंने रेखा एन खींच दी, ये रेखा एल के समांतर रेखा एन की रचना है, ठीक है ना। और आपने जैसा किया है, आपने जैसा किया है वैसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, रचना के पद के रूप में आप इसको लिख सकते हैं, ऐसे आप लिख लीजिएगा। यहां पर मैं लिखता हूं रचना के पद, आप लिखेंगे क्या लिखोगे, रचना के, रचना के पद, ठीक है ना। ये रचना के पद आप क्या लिखना है इसमें, रचना के पद दिख रहा है, दिखता है, दिखता है ना। तो रचना के पद में जैसा आपने किया है, जैसा आपने किया है सेम वही, सबसे पहले क्या किया था, सबसे पहले आपने क्या किया, रेखा एल खींचा था, ठीक है ना। आपने सर्वप्रथम, तो आप लिखेंगे रचना के पद में नंबर एक, सर्वप्रथम रेखा एल खींचा, सर्व प्रथम, सर्वप्रथम रेखा क्या किया, रेखा एल खींचा, आपने सर्वप्रथम रेखा एल खींचा था, ये एक पॉइंट हो गया। फिर आपने रेखा एल के बाहर एक बिंदु कौन सा लिया था, एक्स, रेखा एल के बाहर एक बिंदु एक्स लिया, नंबर दो डालेंगे, नंबर दो है रेखा एल से, रेखा एल से बाहर एक बिंदु, रेखा एल से बाहर एक बिंदु कौन सा लिया था आपने, एक्स, रेखा एल से बाहर एक बिंदु आपने एक्स लिया था। फिर नंबर दो, ये हो गया दो, नंबर तीन, ऐसे जैसा आपने जो जो किया है, आपने जो जो किया है, आपने क्या किया, सबसे पहले रेखा खींचा, फिर रेखा के बाहर ये बिंदु लिया, फिर क्या किया, रेखा में एक बिंदु y लिया, फिर ये केंद्र माना, फिर इस चाप लगाया, वही चाप x को मान करके लगाया, इस तरह से आप करते गए हैं ना। तो जैसा जैसा किया है वैसे वैसे इनको लिखते चलेंगे अपन लोग, नंबर 22। तो यहां पर सर्वप्रथम रेखा एल खींचा, रेखा एल के बाहर एक बिंदु एक्स लिया, तथा तथा रेखा, तथा रेखा एल पर, तथा रेखा एल पर एक बिंदु कौन सा लिया, वाई, एक बिंदु वाई लिया, तथा रेखा एल पर एक बिंदु हमने वाई लिया, ठीक है ना। रेखा सर्वप्रथम रेखा एल खींचा, एल से बाहर एक बिंदु एक्स लिया, एक्स, तथा रेखा एल पर एक बिंदु वाई लिया, ठीक है ना, इतना हो गया। अब इसके बाद नंबर चार आप लिखोगे, वाई को केंद्र मान करके, ठीक है ना, किसको, वाई को, आपने वाई को केंद्र माना था, वाई को केंद्र मान करके एक चाप लगाया, किसी भी त्रिज्या का, कोई माप नहीं है, जितना चाहे उतना फैला लीजिए, अधिक में बहुत अधिक फैलाएंगे तो जगह ज्यादा लगेगी, इसलिए उसको अपने पेज के हिसाब से, अपने कॉपी के हिसाब से थोड़ा सा फैलाना। आप फिर करोगे y को केंद्र मान करके, y को केंद्र मानकर, y को केंद्र मानकर एक चाप, एक लघु चाप काटा, ठीक है ना, या आप चाप लिख सकते हैं, एक चाप काटा या लगाया,
या इसको सुलाया, ठीक है ना। वाई को केंद्र मान करके एक चाप आपने काटा है या लगाया है, वही चाप उतनी ही माप का चाप एक बार एक्स को केंद्र मान करके आपने लगाया है। मैं ऊपर लिख देता हूं, जगह कम है। एक बार आपने वाई को केंद्र मान करके एक चाप काटा या लगाया, फिर उसी माप का नंबर चार में उसी त्रिज्या का उसी त्रिज्या सर दिख नहीं रहा है चाप किसको एक्स को केंद्र मानकर एक्स को सर दिख नहीं रहा केंद्र मानकर लगाया सर दिख नहीं रहा ये उसी त्रिज्या का चाप एक्स को जितना आपने वाई को केंद्र मान करके लगाया था उतना ही चाप आपने एक बार एक्स को केंद्र मान करके लगाया, ठीक है ना। एक बार एक्स को केंद्र मान करके लगाया, फिर इनका नाम मान लीजिए, मैंने यहां पर नहीं दिया नाम, दे दीजिए वाई वन वाई सर दिख नहीं रहा है ना, ये वाई वन है और ये वाई टू है मान लीजिए, तो हमारा नंबर पांच है सर दिख नहीं रहा वाई वन से वाई वन से वाई टू तक की दूरी के बराबर तक की दूरी के बराबर प्रकार को फैलाकर प्रकार को फैलाकर जितनी ये यहां से यहां तक की दूरी है इतनी दूरी के बराबर आपने प्रकार को ऐसे फैलाया था ना, इस तरह से इनकी दूरी के बराबर प्रकार को फैला लिया और फिर यहां पर मान लीजिए x1 है, ठीक है ना, फिर x1 को केंद्र मान करके आपने ये चाप लगा जितना यहां फैलाया और यहां लेकर के आपने ये चाप काट दिया था, तो बात करेंगे कि y1 और y2 की दूरी के बराबर प्रकार को फैलाकर, ठीक है, और किसको x1 को x1 को केंद्र मानकर x1 को केंद्र मानकर, ये बच्चों ऐसा है इसके लिखने की बहुत जरूरत नहीं होती, मालूम क्या है जैसा आप करते गए हैं वैसा ही आपको लिख देना, जैसा आपने किया है वही लिख देते हैं सेम टू सेम, ठीक है ना, उसमें कोई ये नहीं है कि भाषा बदल सकती है, थोड़ा बहुत 19-20 हो सकती है, मेरी आपकी भाषा में अंतर जरूर हो सकता है, लेकिन आप जिन्हें जो किया है आप उसी को लिखेंगे, आप उसी को लिख देंगे जो आपने किया है। एक्स को केंद्र मान करके एक चाप काटा, मानकर चाप काटा जो मिलता ये हो गया। आपने इसको केंद्र मान करके एक चाप x1 को केंद्र मान करके चाप काटा जो यहां पर मान लीजिए x2 पर मिलता है। अब आप x2 और x से होती हुई एक रेखा आपने फिर क्या करना है x2 और x फिर है x2 और x2 और x को मिलाती हुई x2 और x को मिलाती हुई रेखा n खींचा जो एल के समांतर है, जो एल के समांतर है। इस तरह से आप रचना के पद लिख सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं ना, हाँ, तो रचना के पद आप इस तरह से लिखिएगा। अब मैं आपको आप जो है इस तरह से इनको आप कर सकते हैं। अब आगे मैं आपको बच्चों बता रहा हूँ कैसे आपने किसी रेखा के समांतर एक रेखा खींची, कुछ इसके एक्सरसाइज है, अभ्यास होंगे और उन अभ्यासों को
आप कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इससे संबंधित मैं अभी आपको आगे कैसे हम किसी रेखा का अर्धक कैसे करते हैं, किसी रेखा का अर्धक मैं चलिए आपको बता दूं फटाफट दो मिनट में कि किसी रेखा का अर्धक कैसे करते हैं। नहीं पढ़ना क्या अब आधा पढ़ा चुका मम्मी फिर नहाने को बोलती है आवाज आ रही ना नमो नारायण। यस सर आ रही है। चलो ठीक है। हाँ तो अब मैं यहाँ पर देखता हूँ किसी रेखा खंड का किसी रेखा खंड का किसी रेखाखंड का अर्धक कैसे करते हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि कोई रेखाखंड है मान लेते हैं लिख वस्तु दिखी नहीं रहा तो लिखेंगे का। ये बच्चों वीडियो बंद हो गया है टाइम ओवर हो चुका है। नमोनारायण आवाज जा रही है। यस सर। हाँ तो बच्चों इसका चूंकि 30 मिनट का टाइम था तो टाइम ओवर हो चुका है ठीक है ना। अब आपको अभी दिखाई दे रहा है कि नहीं। यस सर। हाँ थोड़ी देर में वीडियो बंद हो सकता है अचानक है ना, थोड़ा देर में अचानक वीडियो बंद हो सकता है तो उसमें परेशान मत होइएगा ठीक है ना। उसमें आप परेशान मत होइएगा, बंद हो जाएगा तो हो जाएगा, अगला पीरियड थोड़ी देर बाद फिर साइंस का है। यस सर। ओके चलें तो देखिए मैं किसी रेखा का अर्धक करना आपको बता देता हूँ फटाफट। आपने सबसे पहले कोई रेखाखंड मान लीजिए खींचा किसी भी माप का, आपने एक रेखाखंड खींचा ये है ठीक है ना, ये मेरा कितना 38 सेंटीमीटर लंबा मान लीजिए एबी रेखाखंड, एबी ये रेखाखंड है 38 सेंटीमीटर लंबा है बच्चों, खींच सकते हैं ना। इसको मुझे बिना पटरी के सहारे के ठीक है ना, बिना पटरी की मदद के मुझे इसको आधा आधा करना है। क्या करना है? आधा आधा करना है, बिना पटरी नहीं लगाऊंगा। तो मैंने देख लिया कि 38 है ठीक है तो 19 19 आधा हो जाएगा, लेकिन यदि मुझे माप मालूम नहीं है मैंने सीधे एक रेखाखंड खींच लिया और उस रेखाखंड का अर्धक करना है और मुझे उसकी माप मालूम नहीं तो मालूम क्या करना होगा। देखिए आप लाइन खींच लिए आप लोग लाइन ना, अब आप इसको उठाइए प्रकार को उठाइए और इसका नुकीला सिरा ए पर रखिए, रख दिए और इस सिरे को फैलाइए, इस सिरे को फैलाइए। कितना फैलाना है आधे से अधिक, कितना फैलाना है आधे से अधिक, ये है इसको जो है ये इतना फैला देना कि आधे से ज्यादा हो, आधे से कम ना हो नहीं फिर वो नहीं होगा ठीक है ना। उसको इतना फैला देना है कि वो हमारे इस रेखाखंड के आधे से अधिक हो। अब आपको क्या करना है देखिए बच्चों, एक बार ए को केंद्र मानिए, ए पर नुकीला सिरा ए पर रखें, रखा और ऊपर की दिशा में आपने एक चाप काटा, ऊपर की दिशा में आपने एक चाप काटा ये यहां पर रखा और ये एक चाप ऐसे काटा और एक बार दिया ऊपर की दिशा में आपने एक चाप ऐसे काटा, काटा है ना, ये दिखाई दे रहा है ना। और एक बार आपको क्या करना है वही चाप उतना ही चाप नीचे की दिशा में काटना है। यस सर। ठीक है हो गया। अब एक बार बी को केंद्र, उतने कम ज्यादा नहीं करना है, उतना रखना है, एक बार बी को केंद्र मानना, बी को केंद्र मान करके ऐसे चाप काटना है, ये एक बार आपने बी को केंद्र माना और ऐसे चाप काट दिया ये कटा हुआ है और एक बार यही चाप नीचे की दिशा में काट देना है। ये नीचे की दिशा में एक बार नीचे लगा दीजिए, नीचे
लगा लिए? यस सर। एक बार आपने ए को केंद्र माना ऊपर नीचे, एक बार बी को केंद्र माना ऊपर और नीचे, जहां पर ये दोनों चाप एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होंगे, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं ना, ये चाप दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं ना। यस सर। जहां पर क्रॉस करते हैं ऊपर नीचे, वहां से आप पटरी रख करके, क्या रख करके, पटरी के सहारे इनको मिला दीजिए। ऐसे पटरी के सहारे मिला लिए। देखिए ये मैंने पटरी के सहारे इसको मिला दिया ऐसे। अब देखिए यदि मैं मापता हूं, अब मैं इससे देखते हैं, चाहे आप पटरी से भी, चाहे पटरी से मापिए और चाहे इससे मापिए, बराबर बराबर आना चाहिए दोनों। मतलब यह है कि जो ये मान लेते हैं ओ है हमारा, क्या है ये ओ, तो ये जो ओ ए है या ए से ओ तक की जो दूरी है बराबर होना चाहिए किससे, ओ से सी तक की दूरी, ओ या ए ओ बराबर ओ बी होना चाहिए। तो जितनी दूरी यहां से यहां तक की होगी, देखना ये देख रहे हैं जितनी दूरी ओ से ए तक की है उतनी ही दूरी यहां से यहां तक की रखी, बराबर है ना। तो हमने किसी रेखा के दो खंड बराबर बराबर दो खंड किए, क्या किए हैं बराबर, तो एक देखिए यहां से ये लगाया इतनी ही दूरी है, तो ये किसी रेखा का क्या है इसका, ये आपने समविभाजक कर दिया, क्या कर दिया अर्धक कर दिया, लंबार्धक कर दिया, ठीक है ना, क्या कर दिया उसको आधा आधा कर दिया, बराबर टुकड़े में बांट दिए, दो बराबर टुकड़े बांट दिए। चार टुकड़े भी आप कर सकते हैं, आठ भी कर सकते हैं, बारह भी कर सकते हैं, जितने, क्योंकि फिर इसका इसका अर्धक कर देंगे, इसका इसका अर्धक कर देंगे, इसका इसका कर देंगे, तो चार टुकड़े बराबर बराबर हो जाएंगे, है ना। देखिएगा मैं इसका कर रहा हूं, मैं इसका भी यदि सॉरी इसका यदि आपको अर्धक करना हो तो क्या करोगे, ये आधे से अधिक यहां रखा आपने, आधे से अधिक की त्रिज्या ले ली और एक चाप ऐसे, हाँ अच्छा इसको, हाँ मैंने आधे से अधिक की त्रिज्या ले ली, ये त्रिज्या ले ली और एक चाप ऐसे, एक चाप नीचे यहां से माना, यहां से अगर चाप काटते नहीं है तो इनको आप बढ़ा लीजिए थोड़ा थोड़ा, ऐसे ऐसे और ऐसे, और जहां पर काटते हैं आप इसको फिर दो टुकड़े कर सकते हैं, तो ये एक दो, इसके दो हिस्से हो गए, इसके मैंने दो टुकड़े कर दिए, ठीक है ना, इसके दो टुकड़े मैंने कर दिए। इसी तरह से इधर के भी चाहूं तो इसके भी कर सकता हूं, ये आधे से अधिक की त्रिज्या ली, एक चाप ऐसा, एक चाप ऐसा यहां रखा, एक ऐसा और एक नीचे की दिशा में, एक चाप नीचे की दिशा में, ये जहां पर ये दोनों क्रॉस करते हैं ऐसे, ये जहां पर क्रॉस करते हैं इनको फिर आप मिला दोगे ये। अब आप मैं देखूं क्या चार, क्या इसके चार हिस्से हो गए हैं, चार बराबर टुकड़े हो गए, देखिएगा एक, देखिए एक दो तीन चार, है ना, आपने इसके देखा कि चार बराबर बराबर टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा ये, जितना ये है उतना ये, उतने ये है और उतना ये है, मैंने इसके चार बराबर बराबर हिस्से कर दिए। तो ऐसे ही आप किसी भी रेखाखंड के आप अर्धक कर सकते हैं, उसका लंबार्धक खींच सकते हैं या उसका आप लंबार्धक बना सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। अब मैं आगे आपको कल कोणों की रचना करना बताऊंगा कि कैसे आप बिना
चांदे की सहायता से, बिना चांदे के आप कैसे कोर जो है बना पाते हैं? कोर दीपांशी दिख रहा है कि नहीं? यस सर। हाँ तो ठीक है ना। तो इस तरह से आप जो है कोरों की रचना करना, आप एक तो देख लीजिए आपको जैसे कोई आधा करना है, आपने एक रेखा खंड खींचा, मान लीजिए मेरा रेखा खंड ये है, ये मेरा है पी क्यू, पी क्यू एक रेखा खंड है, इसका मुझे अर्धक करना है, इसके आधे से ज्यादा की त्रिज्या लेना पड़ेगा, आधे से अधिक की, ये मैंने फैला लिया इसको, आधे से ज्यादा फैलाना है, तो मैंने यहां पर रखा और इसके आधे से ज्यादा ये फैला लिया, और एक चाप अब ऊपर की दिशा में लगाऊंगा, ऊपर की दिशा में मेरा चाप चाप नहीं पहुंच रहा है, ये हो गया ऊपर की दिशा में लगभग एक चाप, ऐसे ये कटेगा, और इसी चाप को आप नीचे की डायरेक्शन में लगाओगे, आपने नीचे की डायरेक्शन में ये लगा दिया, ये नीचे की डायरेक्शन में हो गया, एक बार उसी को यहां रखना है आपको, फिर लगाना है, तो ये हो जाएगा ऐसे, और एक बार उसी चाप को आपको नीचे की दिशा में फिर से लगाना है, ये ऐसे, ठीक है ना, वही माप का, एक बार उसी माप को ऊपर फिर नीचे, एक बार रख करके ऊपर लगाना है फिर नीचे लगाना है, फिर इधर रख करके ऊपर और नीचे, और जहां पर दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं या प्रतिच्छेद करते हैं वहां से होती हुई आप ऐसे ऐसे आप रेखा खींच दोगे, ठीक है ना, वहां से होती हुई आप ऐसे रेखा खींच दोगे। अब आप देखिएगा कि ये बराबर बराबर दो हिस्से हो गए, किसी रेखाखंड के क्या हो गए, दो हिस्से हो गए, वो भी कैसे, दोनों बराबर, इसका ये कह सकते हैं लंब समद्विभाजक, क्या है, लंब भी है, 90 इंच का कोण भी बनाएगा और रेखा को या रेखाखंड को आपके समद्विभाजित भी करता है, ठीक है ना। आप यदि नापना चाहें कि लंब है कि नहीं, देख लीजिए आप यहां पर लगाइए, ये देखिए एग्जैक्ट 90 डिग्री है ना, ये आपको ये देखिए, ये नीचे वाली लाइन इस लाइन के बराबर, नीचे वाली लाइन इस लाइन के नीचे, और ये जो है आपका सेंटर है, ये पॉइंट यहाँ पर दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु पर होना चाहिए, और आपने देखा ये 90 अंश का कोण बन रहा है। तो इस तरह से आप किसी रेखा का लंब समद्विभाजक आप खींच सकते हैं या आप कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो बच्चों थैंक यू, धन्यवाद। आज अब अगले वीडियो में आप जो है साइंस पढ़ेंगे, तो साइंस पढ़ाने के लिए सर हैं तो आएंगे आपको, ठीक है, इसको करिएगा बना करके, आप प्रैक्टिस करिएगा जरूर घर में, इसका एक्सरसाइज 10.1 हाँ उसको आप अभ्यास करिएगा, और फिर कल के दिन हम लोग फिर मिलेंगे और इसी जूम ऐप के माध्यम से, ठीक है ना। चलिए थैंक यू, धन्यवाद जुड़ने के लिए सभी को।